हे गाइस, जैसे कि आज हम बात करेंगे आसाम स्टेट की अरुणोदय स्कीम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको 830 रुपये पर मंथ आपको दिया जाता है, जैसे कि आसाम सरकार द्वारा, जैसे कि इसको बढ़ोतरी किया जाएगा। जैसे कि आने वाले टाइम पे आपको 3000 रुपये की तक बढ़ोतरी की जाएगी, जैसे कि ये आसाम सरकार की निर्देश है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जो भी आपका आसाम सरकार द्वारा जो अरुणोदय स्कीम दिया जाता है, अगर आपने हाल ही में अप्लाई किया है अरुणोदय स्कीम के लिए, जैसे कि अरुणोदय स्कीम के लिए हाल ही में अगर आपने अप्लाई किया था, तो कैसे आपको स्टेटस को चेक कर पाएंगे। जैसे कि आप स्टेटस को चेक कर पाएंगे, आपका डिटेल्स को आप खुद ही देख पाएंगे, अगर आपका डिटेल्स वेरीफाई है कि नहीं वो भी चेक कर पाएंगे। अगर आपका पूरी तरीके से आपका वेरीफाई है तो वेरीफाई दिखा जाएगा। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि खटंग आपको पैसा मिलेगी सरकार के द्वारा से। आपको मैं दो तरीके से ट्रैक करने के लिए बताऊंगा, जैसे कि आपको अरुणोदय स्कीम आपके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे आपको नेम को चेक करेंगे। सारा डिटेल्स को चेक करने के लिए इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले। जैसे कि अगर आप आसाम स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी नॉलेज मिलने वाले थे। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ताकि हम जो वीडियो डाले आप सबसे पहले देख पाए। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डायरेक्ट लिंक दिया, लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वेबसाइट में आ जाएंगे। वेबसाइट में आने के बाद आपको देखिए आपको लॉग इन करना होगा, लेकिन आप यहाँ पे लॉग इन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रही डिस्ट्रिक्ट यूजर पर जैसा आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे डिस्ट्रिक्ट यूजर, PFMS यूजर, एडमिट यूजर, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे फाइनेंस यूजर, यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। जैसे कि आम आदमी यहाँ पे लॉग इन नहीं कर सकते, जैसे कि सरकारी आदमी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। जैसे कि इन्हीं में आपको कैटेगरी दिखाई दिया है, उसके बाद आपको सबसे नीचे इसको डाउन करेंगे। जैसे कि आपको स्टेटस को चेक करने के लिए व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे व्यू स्टेटस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपको स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो व्यू स्टेटस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट को आपको देखना चाहते हैं स्टेटस को। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे मैं विश्वनाथ को क्लिक करता हूँ, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते दूसरे स्टेट में क्लिक करेंगे, स्टेट के साइड में जो भी आपको तीर का आइकन है तीर का आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, ये आपको विश्वनाथ का डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों ने, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपको अरुणोदय स्कीम ले रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे बेनिफिशियरी नंबर, नेम, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे LC, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम शो कर दिया जाएगा, बैंक का IFSC कोड, उसके बाद बैंक कौन सा है, जैसे कि आप बैंक का नाम भी आपको शो कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको आपका नाम भी एक तरफ आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, जैसे कि नेम के आइकन पे। उसके बाद आपको आपका नेम को आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे जो भी आपका नाम है, उसके बाद आपको नहीं मिलता तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे अच्छी तरह से आपके नेम को ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पर आपका नेम इसमें जरूर होगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में आपका नाम जरूर होगा अगर आपको मिलता है, जैसे कि आपको जो भी अरुणोदय स्कीम का लाभ। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे देख पा रहे सर्च फॉर नेम, उसके बाद बेनिफिशियरी नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे सर्च फॉर नेम, आपको यहाँ पे नेम को टाइप करेंगे, जो भी आपका नेम है नेम को टाइप करेंगे तो आपको सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, उसके बाद आपको मिलती जुलती आपको नाम आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका तहसील है, उसी तहसील के हिसाब से आपको यहाँ पे देख लेना है। जैसे कि आपको मिलती जुलती आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा, मल्टीपल नाम, आपको जो भी आपका नाम है आपको डिस्ट्रिक्ट है और आपको तहसील के मदद से आपको यहाँ पे जो भी आपको कंफर्म कर लेना है, जैसे कि आपका यही है। अगर आपको बेसिक डिटेल जानना है तो आपको यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपका नेम के पास जो भी आपको तीर का आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे इसको मैं बैक करता हूँ, जैसे आप बैक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे नेम के पास जो भी आपका तीर का आइकन है तीर का आइकन पे क्लिक करेंगे, बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे किसी किसी का आपको दिखाई देगा, किसी किसी का आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि आपको इससे भी ज्यादा आपको डिटेल्स को जानने के लिए आपको क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे जो भी आपका बेनिफिशियरी नंबर दिया जा रहा है इस नंबर को कॉपी करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपको नंबर दिया जा रहा है इस नंबर को कॉपी कर लेना है। जैसे आप कॉपी करेंगे उसके बाद आपको दो बार आपको बैक करके आपको होम पेज में आएंगे। होम पेज में आने के बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि आपको सबसे नीचे आप यहाँ पे व्यू बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि व्यू बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट को चॉइस करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपको जो भी आपने नंबर कॉपी किया था आपको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे जैसे आप नंबर को पेस्ट करेंगे, आपको नंबर ओनली को जैसे आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपका बेनिफिशियरी का नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपका बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, आपको लास्ट का 2 डिजिट, आपको फर्स्ट का 2 डिजिट, उसके बाद आपको बेनिफिशियरी का IFSC कोड, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भी दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे सबसे नीचे इसको डाउन करके तो आप यहाँ पे देख पा रहे PFMS वेरीफाई स्टेटस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे वेरीफाई दिखा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे उसके बाद आपको इस तरीके से आपका वेरीफाई होना चाहिए। वेरीफाई होने के बाद आपको जितना भी आपका पैसा है वो आपको अकाउंट पर मिलती रहेगी सरकार द्वारा। जैसे कि आपको सरकार द्वारा जितने भी आपको पैसा मिलता है वो मिलते रहेगी, आगे आने वाले टाइम पे आपको ज़्यादा भी पैसा मिलेगी, जैसे कि 3000 तक बढ़ोतरी किया जाएगा, जैसे कि आसाम सरकार ने यह बताया गया।